जबलपुर में भारतीय खान ब्यूरो ने क्षेत्रीय कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए 200 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। सेमिनार के दौरान ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग कर राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने पर चर्चा की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार का जो डिजिटाइजेशन का प्रयास है, तो जो भी भारत सरकार की सेवाएं है उसको डिजिटाइजेशन के माध्यम से खनन उद्योग को अधिकाधिक सुविधा देने के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा माइनिंग टेनमेंट सिस्टम हमने विकसित की है। और ये माइनिंग टेनमेंट सिस्टम के द्वारा जो खनन क्षेत्र को अधिकाधिक उसको लोकप्रिय करने के लिए हमने ये वर्कशॉप आयोजित किया गया है। IBM जो है अभी कंप्लीट डिजिटाइजेशन के मोड में स्टार्ट हो चुका है। 2021 से जो कंटिन्यूसली MTS के अलग अलग मॉड्यूल्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, ये सारे मॉड्यूल्स जो है धीरे धीरे हमारा सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज हो जाएगा, माने हमारी ऑफिस सारे की सारी पेपरलेस हो जाएगी। इस माध्यम में हमारे जो टोटल 8-9 मॉड्यूल्स है जिसको हम अलग अलग फेजेस में लॉन्च कर रहे हैं, उसमें से 4 मॉड्यूल हमारी लॉन्च हो चुकी है और 1-2 मॉड्यूल हमारी अप्रैल में भी आने वाली है। तो ये 4 मॉड्यूल चूँकि 1 साल हो गया है, इसमें धीरे धीरे हम जो अपने अलग अलग स्टेक होल्डर है उन स्टेक होल्डर से हम सुझाव लेते हैं और उसको हम अपग्रेड करते हैं। जो ये डिजिटाइजेशन का जो प्रक्रिया है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे ख्याल से जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने उठाया है। जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय लगभग 99% जो मंथली रिटर्न्स है वो समय पर जमा कर रहे हैं और जबलपुर क्षेत्र से ही लगभग 135 माइनिंग प्लान अनुमोदित किए जा चुके हैं और 227 माइनिंग प्लान दस्तावेज जो है वो जमा किए गए हैं। जैसा कि सरकार की फिलॉसफी है कि सरकार आपके द्वार, तो उसी प्रक्रिया में आज ये एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।